राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आज बागेश्वर जिले के बिलौना में पशुपालकों को पशुपालन और उससे आजीविका समृद्ध करने के संबंध में जानकारी दी गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ उदय शंकर ने ग्रामीणों को मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग के साथ ही पशुओं को होने वाली खुरपका व मुंहपका बीमारी की भी जानकारी दी। मौके पर पशुपालकों को कैल्शियम सहित अन्य दवाइयों का वितरण भी किया गया। पशु प्रदर्शनी में 118 पशुओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पशु प्रदर्शनी में पहले स्थान पर रहने वाले पशुओं के पशुपालकों को पुरस्कृत भी किया गया। टोटल लगभग 118 पशु इस प्रदर्शनी में आए हैं, तो 8 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। जैसे गाय के अलग वर्ग हैं, देसी का अलग है, साहीवाल क्रॉस का अलग है, ऐसी भैंसों के घोड़ा खच्चर, बछिया, ऊसर, इनके हमने अलग अलग वर्ग के, इनमें सबको एक एक फर्स्ट प्राइज देंगे। उद्देश्य ये होता है कि दूसरे लोग जो गांव क्षेत्र के और इधर उधर से आते हैं वो इनको देख के प्रेरित हों, और पशुपालक जो अच्छे तरीके से अपने पशुओं को पाल रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि भाई अगर हम अच्छे से पालेंगे, अच्छे जानवर पालेंगे तो हमको भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी इसको। पशु प्रदर्शनी में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशुपालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदर्शनी में उन्हें उन्नत कृषि के साथ में पशुपालन से आजीविका समृद्ध करने के बारे में भी जानकारी दी गई। मैं यहाँ पर 2 गाय लेके आया हूँ, तो इंश्योरेंस का फायदा हो जाता है, कुछ टीकाकरण जैसे पशुओं का रोग आता है बीच में, तो उसकी रोकथाम के लिए इनसे हम कहते हैं ना हॉस्पिटल से, तो ये करते हैं, कभी चारे की व्यवस्था भी कर देते हैं, इंश्योरेंस तो करते हैं और जानकारी भी देते हैं पशु कैसे तंदुरुस्त रहेंगे और रहेंगे, इसलिए फायदे हैं प्रदर्शन में और अपनी मेहनत का भी पता चलता है। पशु प्रदर्शनी में पशुओं को निशुल्क एंटी रेबीज टीके भी लगाए गए। पशुपालकों को पशुओं से संबंधित बीमा के बारे में जागरूक करने के साथ ही पशुपालकों को प्रमाण पत्र के साथ पशु आहार भी दिया गया।